क्वेश्चन ये है, आराम से बनाना भाई। एक लाइन सेगमेंट ये है तुम्हारा, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, और एक ऐसा आया, और ये क्या? ये 65 डिग्री दे रखा है, ये एंगल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रहने दो इसको। ये एंगल तुम्हारा 20 डिग्री है, तुमको ये एक्स निकालना है। क्वेश्चन विजिबल है सबको? ये दोनों लाइन पैरेलल है, L1 एंड L2 आर पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2 दे रखा है, बनाओ इसको। कोशिश करो, नहीं बनेगा सिखाएंगे। जिससे बनते चले जाएगा वो रेजेंट करते जाना अपना। कितना है मैंग? हाँ मैंग बताओ कितना है? तूने रेजेंट अभी कर लिया फिर तो पता चल गया कैसे बनेगा। आंसर आंसर आई नीड आंसर। उज्जवल कितना है? उज्जवल सर मेरा 25 आ रहा। कितना? 45 25 25 25। और किसी का पुष्कर तेरा कितना आया? 45 45 45 45 इज द राइट आंसर। देखो क्या करना था, जिससे नहीं बना क्या बता दे क्या बनाओगे? एक मिनट ट्राई करो, प्रूफ प्रूफ ट्राई करो। देखो इतने से बाकी लोग से नहीं बनना अच्छी तरह से। देखो एक चीज हम उस दिन बताए थे याद होगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो मैंने बोला था उसको सेपरेटली ड्रॉ किया करो। अब इसको कुछ ऐसा समझो कि ये हमारे पास लाइन नहीं है, ठीक है? ये लाइन नहीं है तुम्हारे पास, ये इस लाइन को फिर बोले थे कि आगे एक्सटेंड करके देखना, ये भी बताए थे उस दिन। तो ये एंगल 65 दिख रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? कितना होगा बताओ? 65, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, है कुछ? तो ये 65, तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 65 होगा, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है? और ये 65 हो गया, तो लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। तो ये 65 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 150। ये एंगल कितना हो गया? 100 कितना? 15 115, ठीक है? और फिर इस ट्रायंगल में क्या करोगे? एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे, तो दो एंगल कितना हो गया? 115 और एक 20, तो ये तुम्हारा 135। तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आया समझ में? या फिर से बताए, कोई है जिसको लग रहा है कि फिर से बताना है तो बताओ, बोलो। चलो ठीक है, फिर नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। आरडी शर्मा कोई बुक रखा है अपने पास? कि कोई नहीं रखा है? आरडी शर्मा है सर, उसको बस रखे रहना, उसको मत बनाना, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। बनाते हैं सर। अच्छा तो चलो उसी से एक क्वेश्चन और है, मेरे को मिला था ये कभी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो ये एक लाइन हो गया ए बी, ये सी डी। अब इसमें कुछ ये तुम्हारा 5 बाई डिग्री दे रखा है, 5 y। अब क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि एक लाइन सेगमेंट पॉइंट बी से आ रहा है और इसके साथ जो एंगल बना ये y डिग्री है, फिर थोड़ा सा आगे गया
ये वाला एंगल तुम्हारा 2y डिग्री है एंड ये एंगल जो दिख रहा है ये भी y डिग्री है. इनको y का वैल्यू बताना है. और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है जो AB है वो पैरेलल टू CD है. कोशिश करो. बहुत ही सिंपल. 20 है क्या? कितना? 20. y का वैल्यू 20 कितना होगा? रुक जाओ. 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ सर 20 है. हाँ 20 है. जिससे नहीं बनेगा बताते चलना. ऑनेस्टली बताना, डरना मत यार. सिखा देंगे फिर से. दूसरा क्या सोचता समझता उस चीज से कभी कंसीडर मत किया करो. बोलते हैं ना बेशर्मों की तरह क्वेश्चन पूछना, वो काम तो नहीं करना है. माथा खराब कर दो हम लोग का क्वेश्चन. जिससे नहीं बनेगा वो बताएगा. सबका आया 20? यस सर. आ गया सर. क्योंकि दिख रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 5 बाई डिग्री और ये सारा एंगल कितना हो जाएगा? तो वाई प्लस 2y प्लस वाई, इन सब का सम कितना आएगा? 180 डिग्री. क्योंकि मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. तो यहाँ 5 to 7, 9 and 10, 10y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180. तुमको क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई 20 आया था. 9y होगा. सॉरी हो जाएगा 9y. तो वाई यहाँ से कितना आ जाएगा? आया सबको समझ में? यस सर. बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन. चलो एक क्वेश्चन और लिखो. अभी क्वेश्चन करेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप के थोड़े क्वेश्चन होंगे वो सब हम लोग करते चलेंगे. क्वेश्चन अगला ये है तुम्हारे पास. एक लाइन L1 है एंड सेकेंड लाइन L2 है. ये दोनों पैरेलल है. उसके बाद एक लाइन सेगमेंट यहाँ से आया और एक दूसरा लाइन सेगमेंट यहाँ से आया. ये तुम्हारा L3 है एंड ये L4 है. L3 एंड L4 भी पैरेलल है. इसमें L1 पैरेलल टू L2 दे रखा है एंड L3 पैरेलल टू L4 दे रखा है. उसके बाद एक और सिचुएशन ये है. इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट और आया. ये तुम्हारा वाई डिग्री है और ये एक्स डिग्री है. ठीक है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग है. तुमको आंसर निकालना है इसमें. व्हाट इज वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स? मतलब वाई का वैल्यू तुमको निकालना है एक्स के टर्म में. कोशिश करो एक बार. और यहाँ पे एक्स डिग्री ये भी दे रखा है. ध्यान देना L1 L2 पैरेलल है एंड L3 L4 भी पैरेलल है. सोचो थोड़ा. आकाश तुमसे कुछ बनेगा? नहीं सर. चलो तुम्हारा मैं क्लास अरेंज करा देते हैं इस चैप्टर का. ओके सर. सर और हाँ बोलो. आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रहा क्या आवाज? आ रहा सर. चलो बताओ. अब धीरे आ रहा है. देख ले थोड़ा प्रॉब्लम होगा. बाकी लोगों को भी धीरे जा रहा है या ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है. हल्का धीरे.
बना किसी का? नो सर। ओके बाकी लोग को ट्राई करने में दो थोड़ा। तो आंसर क्या है? कितना आया वो? x by 2 x by 2 नहीं सर, मेरा तो कुछ और ही आ गया। क्या सर? मेरा कुछ और ही आ गया, मेरा x plus y equal to 90 आ गया। x plus y is equal to 90। हाँ तो गधा, y को x में लाओ ना, y equal to क्या हो जाएगा? 90 minus x आ रहा है। नहीं, 90 minus x by 2 थोड़ा सा गलत हो रहा है, देखो कहीं पे। सर 180 माइनस x बाय 2 अच्छा मैंने यहाँ पे दोनों। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। कैसे बनाया बताओ सर? 90 माइनस x बाय 2 आएगा क्या? 90 माइनस x बाय 2 यार यहाँ पे y और y ही दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं एक्सेल में मेरे पास वो है एक पीडीएफ उसने दे रहा था, यहाँ पे y डिग्री दे रखा था एक मीडिया। अब बन जाएगा जैसे ये तुम्हारा x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा yes. उसके बाद फिर ये x हो गया तुम्हारा, तो देखो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं एक लाइन से, इसको यहाँ से ड्रॉ करो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे तरफ। ये x हो गया तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा बताओ? 180 माइनस x होगा? नहीं, x कैसे गधा, 180 माइनस x क्योंकि तुम्हारा L3 लाइन और L4 लाइन पैरेलल हो गया, और जो L2 है देखो हम इसको सेपरेटली यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, ये तुम्हारा L3 लाइन हो गया, ये तुम्हारा L4 लाइन हो गया, दोनों पैरेलल दे रखा था, और एक ट्रांसवर्सल तुम्हारा ये L2 है ठीक है, और यहाँ पे ये x डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 आएगा को इंटीरियर एंगल से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस x होगा ठीक है। तो ये एंगल तुम्हारा यहाँ पे जो O है इस पे एंगल तुम्हारा 180 माइनस x बना, तो यहाँ पे ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल होगा। यस सर। तो इसको लिख सकते हो 180 माइनस x इक्वल टू y प्लस y यानी 2y ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा? 180 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y, तो कितना आ जाएगा y का वैल्यू? 90 माइनस x y 2। फिर से समझाए क्या? बोलो फिर से समझाना है तो समझा देंगे। नहीं समझाना है? हाँ सर समझा दीजिए। फिर समझा दे। देखो क्या था क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक हो गया मैंने यहाँ पे, एक एक वाई था यहाँ पे, तो मैं ये बोला कि जैसे L3 एंड L4 पैरेलल है और ये तुम्हारा एंगल x डिग्री है, तो ये एंगल भी x होगा कि नहीं होगा? तुम इसको दूसरे सिचुएशन में देखो, ऐसा कुछ ये लाइन तुम्हारा L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया, और उस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये कौन सा लाइन था? L3 हो गया, और ये एंगल x डिग्री है, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? x डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइन ठीक है। उसके बाद अब दूसरा सिचुएशन ये था कि L3 के भी पैरेलल तुम्हारा एक लाइन आ गया L4, तुमको यही एंगल निकालना है, ये पूरा का पूरा, और ये पूरा एंगल कितना दे रखा था? 2y ठीक है। तो ये एंगल तुम्हारा x डिग्री हो गया, तो उसके को इंटीरियर में जो ये वाला एंगल बना ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x होगा, क्योंकि अगर ये एक एंगल ऐसा है, ये तुम्हारा अगर 80 डिग्री रहेगा तो तुम इसको बोलेगा इस एंगल को 100 डिग्री yes. उसी तरीके से ये तुम्हारा x डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस x, और तुम्हारा
यहाँ पे जो एंगल वन है और ये एंगल टू है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट से इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो वन और टू इक्वल, और एंगल वन कितना आया था 180 माइनस एक्स, और एंगल टू कितना था 2y डिग्री, यहाँ से फिर y कितना हो जाएगा 180 बाई टू माइनस x बाई टू, दैट इज 90 माइनस x बाई। सर वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर भी तो ले सकते थे यहाँ पे? हाँ हाँ वो भी ले सकते थे, ये क्योंकि x है तो ये भी तुम्हारा x ही होगा, यानी जो 2y का वैल्यू हो गया। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर, एक मिनट, अल्टरनेट इंटीरियर गधा मारेंगे ना सर, अल्टरनेट इस तरफ ना, ये वाला एंगल अल्टरनेट जाएगा ना? अरे हाँ सर वही वाला। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर लीनियर पेयर से ये सारा का सारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस y प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों तरीके से बना सकते थे। क्लियर हुआ कुछ? Yes, किसी को डाउट नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन लिखना। वैसे क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, माइक ऑफ करो सब कोई। क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, एक लाइन सेगमेंट ऐसा है आर पी क्यू, एंड दूसरा यहाँ पे आया ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन का सिचुएशन ये है कि एंगल क्यू पी आर, QPR दे रखा है 102 डिग्री, तुमको फाइंड करना है एंगल ABC, एंगल ABC निकालना है, और साथ ही साथ ये बोला है कि जो PQ है वो पैरेलल टू AB है, एंड PR है वो पैरेलल टू BC है, निकालो। सर 78 होगा सर, 78 सर, 78। हाँ ठीक है, 78 ही होगा। ठीक है, बन गया सकते हैं। 78 कैसे हुआ? 78 कैसे हुआ? देखो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो, ये तो बता रहा कि इतना अच्छा तरीका था, इसको आगे एक्सटेंड करो, ठीक है। ये तुम्हारा 102 डिग्री दिया है, 102, इसको भी आगे एक्सटेंड करो, ये रफ में करना, कभी भी आंसर नहीं निकलता। तो ये 102 हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? होगा 78, क्योंकि PR और CB पैरेलल है। अब ये 78 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 102 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइन फिर से पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ना। क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, बहुत तरीके हैं क्वेश्चन पूछने का पैरेलल लाइन। चलो एक आखिरी क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे बना लेना तो इसको, शायद ये करवा दिए होंगे। एक एनसीईआरटी में मिरर का क्वेश्चन था, याद है सबको? आखिरी क्वेश्चन एक ये सर हम भेजा, हाँ तुम भेजा था, वो क्वेश्चन बना है क्या किसी से? डाउट में भी वो पोस्ट किया था वो क्वेश्चन, तो आखिरी क्वेश्चन सर। कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन? कौन सा एक्सरसाइज क्या था सर? 6.2 का एकदम लास्ट क्वेश्चन, 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करना, रात तक में उसका हम सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू भेज देंगे एक बार, लेकिन तुम लोग बनाओ जो डाउट में क्वेश्चन आता है। चलो फिर, ये सब तुम्हारा पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एंड नहीं हुआ है पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन का।
अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेगा जहाँ पे मे भी कोई क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन तुमको कोशिश करना है। मैंने दो तरीका बता रखा है क्या करना होगा। तुम थोड़ा सा लाइन को आगे हमेशा एक्सटेंड करके देखना, अगर फिगर समझने में दिक्कत आ रहा होगा तो थोड़ा लाइन को अपने से स्ट्रेच करना, एक्सटेंड वगैरह करके देखना और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना देना। अगर तभी भी डाउट होता है डाउट, ठीक है। चलो आगे कुछ क्वेश्चन और देते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट ईयर पे। इस पे क्वेश्चन कुछ और रहेगा तुम लोग को हम भेजते चलेंगे, तुम्हारा काम होगा उसको बनाते रहे। नेक्स्ट थ्योरम तुम्हारा देखो क्या था, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बहुत ही सिंपल है, इसका गिवन वगैरह लिख लेना। इसमें ये बोला जैसे एक लाइन ये है और एक ये दूसरा लाइन है, एल वन और एल टू पैरेलल पहले से दे रखा है, एंड एक कोई तीसरा लाइन है एल थ्री। क्या है एल थ्री? तो क्वेश्चन में ये है इस थ्योरम का मतलब कि एल वन पैरेलल टू एल टू दे रखा है। जतिन माइक ऑफ करो यार, बार बार ऑन कर लेता है, डाउट होगा तो पूछा करना। एल वन पैरेलल टू एल टू दे रखा है एंड एल टू पैरेलल टू एल थ्री दे रखा है। हम इस नाइन नंबर थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। एल वन पैरेलल टू एल टू दे रखा है एंड एल टू पैरेलल टू एल थ्री दे रखा है। तुमको प्रूफ क्या करना है, तो एल वन जो है वो भी पैरेलल होगा एल थ्री के, ठीक है। यही प्रूफ करना है। तो कोई कर पाएगा इसको प्रूफ से बताओ, कोई है? सर और एक बार सुन रहा सर, क्या करना होगा बताओ, क्या बता दे सर? सिचुएशन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर नाइन का थ्योरम का कि दो लाइन पैरेलल है यानी एल वन एल टू पैरेलल है एंड एल टू एल थ्री पैरेलल है। तुमको क्या प्रूफ करना है कि L1 और L3 भी पैरेलल होगा, किसी से होगा? तो है जिससे बन जाएगा ये तो बताओ, पुष्कर से हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, और कोई, और किसी से? मयंक से भी हो जाएगा, चलो बढ़िया। बस दो लोग थे, कैसे होगा मयंक तुम ही बताओ? मयंक? यस सर। कैसे बनाओगे बताओ? सर एक ट्रांसवर्सल लेंगे सबके बीच से। हाँ हाँ, ये ट्रांसवर्सल, उसके बाद फिर एक एंगल ले लेंगे एल वन पे, ठीक है। ये ले लिए और एक ये ले लिए, यही ना? हाँ सर। फिर एल थ्री में भी आ जाएगा वही करस्पॉन्डिंग, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बढ़िया। यस सर। उसके बाद फिर एक एंगल L3 पे लेंगे, जैसे हम एंगल का नाम लिखते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2 एंड एंगल 3। तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास पहले से क्या दे रखा है, लाइन L1 एंड लाइन L2 पैरेलल है। तो L1 L2 पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि L2 है वो L3 के पैरेलल है, तो लाइन L2 है वो L3 के पैरेलल है। तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हो जाएगा। Yes, समझ रहा है सर कोई? अब एंगल टू यहाँ पे इक्वेशन वन में एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, इक्वेशन सेकंड में एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री है। इन दोनों इक्वेशन से तुम बोल सकते हो ना कि जो एंगल वन है और जो एंगल थ्री है वो आपस में इक्वल है। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. नहीं ना। तो अब एल वन देखो, एल वन और एल थ्री पैरेलल हो गया, और ये कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? Yes, sir. है ना। और अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो नाइन सेगमेंट क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल हो जाता है। तो बस इसका इतना ही प्रूफ था। उनको बस गिवन में लिख देना है कि L1 and L2 are parallel and L2 and L3 are parallel and a transversal line को की ले। उनको प्रूफ क्या करना है, L1 parallel to L3। और प्रूफिंग में कैसे करते चलोगे, तो लिख लेना कि हमें दे रखा है लाइन L1 parallel to L2 यानी एंगल 1 equals to एंगल 2 corresponding एंगल से, एंड L2 parallel to L3 इसलिए एंगल 2 equals to एंगल 3 वो भी corresponding एंगल से,
or from equation first and second we can say that angle 1 equals to angle 3. और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और ये दोनों एंगल दिख रहा है, कैसा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का डेफिनेशन तुम लोगों को बताया था. क्या होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का डेफिनेशन, तो कोई एक ट्रांसवर्सल के अगर सेम साइड में एंगल है तो वो सारा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है. सेम साइड के साथ साथ दोनों एंगल अगर ऊपर है तो ऊपर रहेगा, अगर नीचे है तो नीचे वाला एंगल. ये सारा एंगल क्या कहलाता है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है. और ये भी मैंने बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ पैरेलल के केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस वाले सिचुएशन में भी होगा. ये और ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, जैसे मैंने बताया था ना सबको. यस सर. हाँ, तो ये सब चीज ध्यान में रखना है आपको. तो यही तुम्हारा बेसिक थ्योरम था. इस पे एक क्वेश्चन और है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे कर लेते हैं, फिर हम लोग सेक्शन बी वाले थ्योरम पार्ट में मूव करेंगे. क्वेश्चन क्या है तो लिखना. थ्योरम में देना चाहिए नहीं दिया है क्या? चलो वो वाला जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे ना तब पर समझ में आएगा. हम इस वाले थ्योरम की बात कर रहे थे, थ्योरम नंबर 8 एंड थ्योरम नंबर 9. थोड़ा अच्छा थ्योरम है, एक कोशिश करके आना, जिससे बनेगा बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन हम ये दोनों थ्योरम हम डिस्कस करेंगे. एक बार ट्राई करके आना थ्योरम 8 एंड थ्योरम 9, ठीक है? चलो फिर आगे हम लोग अब सेक्शन बी पे मूव करते हैं. सेक्शन ए सेक्शन सी पे मूव करेंगे. अब फिर से हम आखिरी बार तुम लोग से पूछ रहे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में किसी को कहीं भी डाउट है तो बताएगा. एक मिनट का हम बस टाइम दे रहे हैं और बिना उतना हेजिटेशन के तुम लोग बताओ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कहीं भी डाउट तो बताओ. नो सर. को नहीं है? नो सर. चलो नहीं है तो अच्छी बात है, अगर होगा तो मैंने तुम लोग को बता रखा है प्रोसीजर क्या करना है. वैसे ड्रॉप कर देना, हम आगे का काम हम देखेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री पोर्शन ही तुम लोग का ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो चलो अब हम लोग सेक्शन सी पे मूव करते हैं. अब ये सारा का सारा अभी तक जो भी थ्योरम तुमने पढ़ा वो एक लाइन एंड एंगल से रिलेटेड था, लाइन और एंगल्स में कितने तरीके के एंगल फॉर्म कर सकते हैं. बट अब जितने सारे थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे वो सारा का सारा ट्रायंगल से रिलेटेड होगा. और एटलीस्ट एक बार मैं प्रूव कर रहा हूँ, तुम्हारा काम बनेगा एक बार खुद से घर पे बैठ के करते हैं सेक्शन सी से अब जो भी थ्योरम शुरू होगा. और इसके बाद जितने भी चैप्टर्स के थ्योरम शुरू होंगे वो तुम्हारा काम एक बार सिर्फ मेरे कराने से नहीं, तुम लोग पे भी करने पे काम होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो हम देखते हैं तुमको क्या प्रूफ करना है. द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री. ये तो सबको पता होगा ये चीज कि सारे एंगल ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, ये सबको पता होना चाहिए. लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं. इसमें वो सब तो बताने का जरूरत नहीं है, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ये सब पढ़ रखा है. एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, ये सब पढ़ रखे होंगे. तो हम लोग मूव करते हैं और इसको हम लोग नाम दिए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल. ये क्या कहता है कि ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं सारे का सम कितना होता है? 180 डिग्री. कोई प्रूफ करना जानता है तो रेज हैंड करो. एक पुट का जानता है, चलो अच्छा है. और कोई नहीं जानता है क्या? हाँ जी पुट कर बताओ कैसे प्रूफ करते हैं. कंस्ट्रक्शन DA पैरेलल टू BC करेंगे, मतलब हाँ चल ठीक है. देखना है इसको कैसे प्रूफ करना होता है. पढ़ लिया क्या है चैप्टर खुद से? कुछ कुछ थ्योरम पढ़े. अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है, पढ़ते रहो.
देखो इसमें गिवन लिख लेना आ ट्रायंगल एबीसी, इसको लिखते चलो अपने कॉपी में, नोट डाउन करते गिवन क्या है ट्रायंगल एबीसी, तुमको प्रूफ क्या करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है तुमको, यहाँ लिख रहे हैं हम ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट डी लिख लो, ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू बी सी। ठीक है, क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल हो बी सी से थ्रू ए, थ्रू ए, समझ में आया। तो क्या करना है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि थ्रू ए से जाए, क्लियर ये चीज। अब देखो समझ से चलना, तो इसको हम एंगल वन बोल देते हैं, इसको एंगल टू और इस वाले को एंगल थ्री बोलते हैं। प्रूफ देखना, सेम इसको कोई नाम दे दो, एल वन बोल दो, एल बोल दो, यहाँ एल ही लिखा है मैंने। सिंस एल इज पैरेलल टू बी सी, तो ये देखो इसको एंगल फोर बोलते हैं एंड इस वाले को एंगल फाइव। तो ये बताओ एंगल टू और एंगल फोर इक्वल होगा, एंगल टू एंड एंगल फोर इक्वल होगा, किसी को इस चीज में डाउट होगा सर? किसी को डाउट नहीं है ना, चलो बढ़िया। कैसे होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट एंगल उसी तरीके से एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फाइव, ये भी किससे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्लियर। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर प्लस एंगल फाइव, फाइव, क्लियर। अब इसके बाद क्या करना, एडिंग एंगल वन ऑन बोथ साइड, एंगल वन को दोनों तरफ फिर से ऐड करो, तो ये क्या बन जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव। अब देखो जिससे पूछेंगे बताना, कृतिका आवाज आ रहा है क्या? कृतिका, तो एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस फाइव कितना देगा? 180 डिग्री। 180, बहुत अच्छा, हो गया फिर प्रूफ ना। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और तुमको क्या प्रूफ करना था? तो और एंगल वन देखो, एंगल वन तुम्हारा एंगल ए है, एंगल टू तुम्हारा एंगल बी है, एंड एंगल थ्री क्या एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी को डाउट इस थ्योरम में तो पूछेगा, किसी को डाउट, किसी को नहीं है ना? तो ये एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है? Yes. इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो कर ही लेगा तुम लोग यार, कि दो एंगल दे रखा है तीसरा निकालो, ये सब कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, तो हमारे पैकेज का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं दे रहे फिर, कि दो एंगल दे रखा है तीसरा निकालो, ये सब क्वेश्चन तुम लोग कर लेगा, किसी को इसमें डाउट तो नहीं होता है ना? नो सर, नो।
29। बेसिक क्वेश्चन नहीं दे रहे, फिर से बोल रहे हैं कि दो एंगल दे रखा है, तीसरा निकालो, ये सब तू लोग खुद कर लेगा। जो क्वेश्चन कराने का है वो हम करवाते चले। बस थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। आया क्या कोई? सिर्फ 50 है क्या? 50? देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। 50 होगा। 27 किधर गया जी? मेंशन दिया ही नहीं है क्या? सर 29 ना बोले। अरे 29 था। 50, 50 and 80। 50, 50 yes, and 80 दे रखा है। बना क्या सकते? दो एंगल 50 हो जाएगा, एक 30 उसमें प्लस कर देंगे। बताओ किसी को डिस्कशन करना है तो हम करते हैं इसको। एक बार डिस्कस। चलो ठीक है। देखो क्या बोला है, टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे एक ट्रायंगल है, इसके दो एंगल इक्वल ले रखे। चलो इसको हम एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल थ्री। ये बोला है कि दो एंगल क्या है, टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। हम अज्यूम कर लेते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंड जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दीज बाय 60 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री। तो एंगल थ्री कितना लिखोगे बताओ? एंगल थ्री कितना लिखेगा? एंगल वन प्लस 30 डिग्री। इसमें बोला है कि सारे एंगल को कितना याद है, वो 30 डिग्री से। तो अब तुमको सारा एंगल पता चल गया। एंगल वन प्लस 30 डिग्री। अब तो एंगल वन तुमको पता है, एंगल टू पता है, और एंगल थ्री भी क्या पता चल गया, एंगल वन प्लस 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो हम एंगल टू को भी एंगल वन लिख सकते हैं। और एंगल थ्री तुम्हारा क्या था, एंगल वन प्लस 30, तो इसको एंगल वन प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वल टू 180। तो ट्राइस ऑफ एंगल वन Trice of angle 1 equals to 180 minus 30 degree. So, trice of angle 1 kitna ho jayega? 150. Isliye angle 1 kitna? 50. Angle 1, angle 2 equal tha. So, angle 1 bhi 50. Angle 2 bhi 50. Aur angle 3 humne kitna mana tha? So, angle 1 plus 30 degree. So, angle 1 kitna hai? 50. Aur plus 30 is equal to 80 degree. आया सबको समझ में? यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नहीं है। किसी को डाउट होगा भाई तो पूछते चलना, बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं इस बात को। नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन नहीं करा है तो एक बार हम बस डिस्कस कर ले रहे हैं, ये तुम लोग को आता होगा। जैसे एक ट्रायंगल का एंगल बी दे रखा है 105 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 50 डिग्री, एंगल ए निकालना है, सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बनाना नहीं है, हम बस बोलते चल रहे। जैसे फिर इसमें एक क्वेश्चन ऐसा और पूछ सकता है कि एंगल का रेशियो दे रखा है कि तीनों एंगल 2:3:4 दे रखा है, तुमको सारा एंगल निकालना है, बन जाएगा ये क्वेश्चन या बता दे?
फाइंड आउट द एंगल. किसी को डाउट होगा बोलेगा भाई. ये क्वेश्चन बन जाएगा सबसे. यस सर. चलो ठीक है फिर, ये भी बन जाएगा तो ठीक है. हाँ चलो बढ़िया, फिर बना लोगे तो अच्छी है. तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करिए. तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन था, और कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि एक एंगल x प्लस 20 है, एक एंगल x है x प्लस 30 है, और एक एंगल x माइनस 10. तुमको बोलेगा x निकाल, तो ये भी बन जाएगा ना. एक ट्रायंगल का तीन एंगल x प्लस 20, x प्लस 30 और x माइनस 10 दे रखा है. तुमसे x का वैल्यू निकालने बोलेगा, निकाल लोगे? यस 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 सर. इसमें भी क्या करना, तीनों को ऐड करके इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देना. ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, वो लिखना तुम लोग. क्वेश्चन ये है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू सिक्स ऑफ एंगल सी. Determine angle A, angle B, and angle C. बना सकते हो. आया क्या किसी का? सर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 30 डिग्री. हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है क्या? ये सर अब आया. और किसी का बना पुस्तक बन गया क्या? पुस्तक? यस सर. सर बन गया. बन गया सर. बन गया ठीक है. देखो और किसी को डाउट है तो पूछो, डाउट है तो बता देंगे. सर नहीं बना. यस सर बना. नहीं बना. चलो ठीक है सर. ये तो ट्रायंगल दे रखा है, दिख रहा है, तो तीनों एंगल का सम लिखेगा 180. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखोगे. अब तुम्हारा काम क्या बनेगा देखते चलो. सारे एंगल को ना यहाँ पे देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी दे रखा है. ठीक है, तो एंगल बी को तुम ट्वाइस ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हो. किसी को इसमें डाउट? चलो फिर देखो, हम सबको ना ए बी सी को सारे एंगल को ए के टर्म में ला रहे हैं. जैसे बी को भी हमने ए के टर्म में ले आया. अब दूसरा, इन दोनों इक्वेशन से, सॉरी इन दोनों से नहीं, सबको हम ए में ला रहे हैं ना, तो आखिरी वाले से, इस वाले से और इस वाले को फिर कंपेयर करें. तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू सिक्स ऑफ एंगल सी. तो यहाँ से एंगल सी क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई 6, ये भी कितना हो जाएगा? तो एंगल ए डिवाइडेड बाई 3. बस अभी इस इक्वेशन में पुट करो, एंगल ए तो तुम्हारा एंगल ए है, एंगल बी कितना है? तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई 3. एंड एंगल सी कितना है? तो एंगल ए डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तीन एलसीएम ले लेना, तो ये ट्राइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ए और ये तीन अगर एलसीएम है इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1, 6 एंगल ए, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 540 डिग्री.
तो एंगल ए कितना आ गया 90, एंगल ए 90, एंगल बी कितना हो जाएगा, तो एंगल बी हो जाएगा 2 × 90/3 यानी 60, और एंगल सी 90/3 वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। किसी को डाउट इसमें? सर तीनों को एक्स लेके भी तो बना सकते हैं, कितना एक्स लो कुछ भी लो चलेगा, लेकिन आया तो यही इक्वेशन ना, इसी के टर्म में आया ना। हाँ सर। किसी को डाउट? चलो नहीं है तो फिर एक आगे बढ़ते हैं, टाइम ऐसे हो गया, लेकिन थोड़ा एक क्वेश्चन और कर लो इस पे। ऐसा है कुछ क्वेश्चन, देखो A कॉमा B कॉमा C आर सी एंगल और ट्रायंगल, ये दोनों थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि ऐसा ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना सीखना सीख लेना तुम लोग भी। ऑफ अ ट्रायंगल इफ A माइनस B इक्वल टू 15 डिग्री कॉमा B minus C equals to 30 degree. Find angle A, angle B and A. Banao. आकाश कुछ बन रहा है तुमसे कि नहीं बन रहा है आकाश? हाँ सर थोड़ा मोड़ा कोशिश की है। तेरा आवाज बहुत भारी हो गई। अच्छा था तू बहुत बड़ा हो गया लग रहा है। नहीं सर। अच्छा कोई नहीं, तुम्हारा हम अलग से क्लास लगा देंगे, कर लेना जो भी छूटा है इस चैप्टर में, बाकी जो छूटा है उसको धीरे धीरे कर, लेकिन सारा पढ़ा देंगे। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन तुमको काम में जाएगा, बना के आना और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और क्या है क्या